किस नर को प्राप्त होता है, कैसे जोत को प्राप्त होता है। उसके बाद में 6-7 अध्याय में शंकराचार्य भगवान की कथा दी है कि जो अनाथ प्रेत का विपरीत आदि कर्म करता है, अंतिम कर्म करता है, तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो अपने पुत्र अपने माता पिता का प्रेत आदि कर्म करता है, भाई अपने भाई का प्रेत आदि कर्म करता है, तो उसकी अवश्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद 8 अध्याय में कर्म कांड का वर्णन आता है, कितने दिन का सुतक होना चाहिए, कितने दिन का पाठक होना चाहिए, कितने फिरदान होना चाहिए और सेवा आदि सामग्री का वर्णन आता है। अंत में जो है वो 16 अध्याय को गरुण जी महाराज भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान आपने अनेकों प्रकार की कथा सुनाई है और आप सुना पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ हमारा शरीर है और अंत में नहीं पांचों चीजों में विलीन हो जाता है, परंतु ये जो आत्मा है अजर आत्मा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममे मासो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जो जीव है मेरा ही सनातन अंश है, इसलिए मृत्यु और संभावी है। जिस स्थान पे जिस जगह पे मृत्यु लिखी है उसी स्थान पर उसी जगह पे होती है। एक बार नारद जी महाराज वन में निकल कर निषाद जी महाराज को मृत्यु से बहुत ही भयभीत रहते थे और चाहते थे कि मेरे मृत्यु ना हो, ऐसी कोई उपाय से जो कि बता दें। उनको रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए, नारद जी से कहने लगे, निषाद जी महाराज नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, आपकी ऐसी उपाय ऐसी कोई युक्ति बतला दीजिए ताकि मृत्यु ना हो और मैं सजा समाप्त हो जाऊं। नारद जी कहने लगे, मृत्यु ये तो सत्य है, आज नहीं तो कल बड़े बड़े महापुरुष भी आए इस धरती पे तो वो भी एक नवीन इस शरीर को छोड़ कर के गए, भगवान भी इस धरती पे आए तो इस शरीर को छोड़ कर के गए, मृत्यु और संभावी है। परंतु फिर भी नारद जी कहने लगे कि आप देवव्यास जी महाराज के पास जाए, वही कोई कोई योग्य और उपाय बता सकते हैं। जी आप हमारे दरबार में आया पाने का कारण बताइए। निषाद जी कहने लगे कि हे बेचारा, कहने लगे कि तो असंभावी है, जो भी चेत मृत्यु लोक है, जो भी इस लोक में आया है एक ना दिन अवश्य छोड़ कर के जाए, तो आप मृत्यु देव के दरबार में जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा है, ये तो अपने
शरीर में एक हवा है, एक श्वास है, जब तक चल रही है तब तक ये जिंदगी है, पर जब ये श्वास निकल गई तो ये मिट्टी हो जाएगा। इस बात को समझने के लिए शोर सभा में बैठे हैं, क्योंकि जब ऊपर वाले ने जितने श्वास दिए वो पूरे हो गए, उससे ना एक श्वास ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। तो आइए इस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बातों को छोड़कर दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने शर्मा परिवार को इतने दुख का समय दिया है, तो इस जीव आत्मा को अपने शर्मा में जगह दो और इस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दो। तो दोनों हाथ जोड़कर बातें नहीं करेंगे, सभी यही मन में गुनगुनाना है, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा thank you.
Yeah.
मर्जी से वो दे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਕਰਮੀ ਵਾਲਾ
ट्रस्ट हिंदी पुत्री पाठशाला खन्ना जी भी एसोसीएशन जिते होंगे जिन्हों का भी कंडोलेंस परिवार की तरफ तो मैं आभार प्रकट करना थोड़े सारे दोस्तों का इस दुख मंडान के इस दुख की घड़ी के सारे जे परिवार का दुख मंडान आए परिवार की तरफ तो मैं थोड़ा सारे का आभार प्रकट करता हूँ। तो परिवार की तरफ तो बेनती है भी ज़्यादा लंगर तैयार है तो सारे प्रसाद के रूप में सारे ज़्यादा लंगर जरूर छके जा। धन्यवाद। ओम शांति शांति। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। दुर्गा की मंत्र का अवतार है हम उसी को समर्पित करते हैं। भगवान अपने चरण में स्थान की सदगति प्रदान करें। जो जो भी दो दो से रिश्तेदार आए हैं मित्रगण वगैरह आए हैं रोटी पानी अवश्य चक्कर ले जाए चाय पानी अवश्य पीकर ले जाए।